उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सुखदेव सिंह नामधारी का सितारा अचानक डूबता दिख रहा है। हफ्ते भर पहले तक उनके पास राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी थी। कुर्सी तो चली ही गई। पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप की मौत के मामले में उनका नाम आ गया और अब गिरफ्तार भी हो गए हैं। सुखदेव सिंह नामधारी को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस कोर्ट से नामधारी की हिरासत की मांग करेगी ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। हालांकि नामधारी का कहना है कि वो खुद पुलिस के पास गए थे। आरोप लग रहे हैं कि मैं फरार हूं, पुलिस के टच में नहीं हूं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं हमेशा पुलिस के टच में हूं, मैंने ही पुलिस को बुलाया। सुखदेव सिंह नामधारी के खिलाफ केस पोंटी चड्ढा के भाई हरदीप के ड्राइवर नंदलाल ने दर्ज कराया है। नंदलाल ही विवादित 42 नंबर फार्म हाउस का केयर टेकर है। नंदलाल का आरोप है कि नामधारी पोंटी की गाड़ी में आए थे और नामधारी के गनमैन ने ही हरदीप को गोली मारी थी। नामधारी ने अपने लोगों के जरिए फार्म हाउस पर कब्जा करने की कोशिश की। वो इनमें से 3-4 लोगों को पहचानता है। इन्होंने फार्म हाउस पर लाठियां, तलवारों, पिस्तौल के साथ हमला किया था और फार्म हाउस पर मौजूद लोगों से उनके मोबाइल छीन लिए थे। सुखदेव सिंह नामधारी ने दावा किया था कि वो 17 नवंबर को पोंटी चड्ढा के साथ इस विवादित फार्म हाउस में पहुंचे थे और पोंटी चड्ढा के भाई हरदीप चड्ढा के गोली मारने पर पोंटी को अस्पताल लेकर गए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस नामधारी के बयान पर भी शक कर रही है और उन्हें हिरासत में लेकर सच जानने की कोशिश करेगी।